यह प्रश्न सेट ई है जीव विज्ञान बायोलॉजी का। जिन छात्रों ने इस वर्ष बायोलॉजी सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं वो अपने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर जो है इस वीडियो को देखकर चेक कर सकते हैं। क्लास ट्वेल्थ का ये है, क्लास ट्वेल्थ जीव विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ पर लिखा हुआ सेट ई का है। तो जिन छात्रों ने 2021 का है ये एनुअल एग्जामिनेशन 2021, यानी जिन छात्रों ने इस वर्ष जो है बायोलॉजी का एग्जाम दिए हैं तो वो इस वीडियो को देखकर अपने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चेक कर सकते हैं उनका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में से प्रत्येक छात्र को मात्र 35 प्रश्न ही बनाना था। 70 दिया गया था जिनमें मात्र 35 ही बनाना था। तो जिन छात्रों ने जिस प्रश्न को बनाए हैं वे सभी प्रश्न आप इस वीडियो को देखकर मिला सकते हैं। और यदि जिन छात्रों का सेट अलग दूसरा है, सेट ई को छोड़कर दूसरा सेट है, वे भी इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों को चेक कर सकते हैं, या तो फिर अलग अलग सेट के लिए प्लेलिस्ट में उसका वीडियो बना हुआ है तो आप अपने सेट के अनुसार भी प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और पहली बार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और निश्चित रूप से इसमें जो प्रश्न दिया गया है चेक करने के बाद आप हमें निश्चित बताएं आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या एक पर। ये सेट ई है बायोलॉजी का, 12th क्लास का बिहार बोर्ड का। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है एकिडना है। तो एकिडना क्या है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजक करी है। एकिडना क्या है तो संयोजक करी है, सॉरी योजक करी लिखा हुआ है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया जैसा कि आप देख रहे हैं डोडो है। तो डोडो एक पक्षी का नाम है और ये विलुप्त प्रजाति है, ये मॉरिशस में पाया जाता था और ये विलुप्त हो चुका है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना जो है इसका ऑप्शन सी सही है, युग्मनज, ये द्विगुणित संरचना है। अगला प्रश्न है, चार नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है चौथा प्रश्न में निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है, अर्थात जल में उगाए जाने वाले पौधे कौन है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंघारा। अगला प्रश्न है पांचवा, इसमें क्वेश्चन दिया गया है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिसन में। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या छह है, मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या है। तो मनुष्य में उसमें भी ब्रैकेट में दिया गया है पुरुष, तो पुरुष में गुण सूत्र क्या हो जाएगा तो वाई, ये जो है एक्स वाई और 44, अर्थात 44 प्लस एक्स वाई, ये जो है गुण सूत्र पुरुष में होता है। यानी 44 गुण सूत्र जो है स्त्री और पुरुष दोनों में बराबर होते हैं, जिसको ऑटोसोम कहा जाता है, और एक्स वाई जो है पुरुष में और एक्स एक्स स्त्री में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सातवां प्रश्न है, गेंडा अभयारण किस राज्य में अवस्थित है। तो गेंडा के लिए अभयारण जो है असम राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगला सातवां प्रश्न दिया गया है बायो गैस में होता है। तो बायो गैस में क्या होता है, तो CO2 H2 CH4 इनमें से सभी होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। और नौ नंबर का प्रश्न इसमें दिया गया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पेकिटिन। उसके बाद दसवां प्रश्न है PCR से किसकी जांच होती है। तो इसका सही आंसर ये है HIV का जांच होता है PCR की सहायता से। तो 11 नंबर प्रश्न है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी। तो इन सभी प्रश्नों को आप जो है, ये सेट ई का प्रश्न है 12th क्लास का बायोलॉजी का, तो जिन छात्रों ने इस बार एग्जाम दिए हैं वो अपने प्रश्नों को चेक कर सकते हैं जिसका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत। ये सभी प्रश्न जो है
बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है, इसमें गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी यदि किसी छात्रों को कोई प्रश्न गलत लगे तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें। तो आप जो है 70 प्रश्नों में से सिर्फ 35 प्रश्न ही बनाना था, तो आप वीडियो को जो है अंत तक देखकर अपने द्वारा बनाए हुए 35 प्रश्नों को चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका कितना सही हुआ और कितना गलत, और आप हमें निश्चित रूप से कमेंट कर बताएं आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो 12वां प्रश्न है, आवृत बीजी पौधे में भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 3M। 13वां प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब ये कहा जाता है, जब एक जीव के द्वारा उत्पत्ति होगा तो इसको कहेंगे ओलैंगिक जनन। ओलैंगिक जनन में एक ही जीव की जरूरत होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुण सूत्रों की कितनी संख्या होती है? इसका सही आंसर 46 हो जाएगा, 46 गुण सूत्र होते हैं। अगर जोड़ा का बात करता कितने जोड़े गुण सूत्र होते हैं तब 23 जोड़ा होता। अगला प्रश्न है, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही ऑप्शन सी सही है, जीन का रेगुलेशन। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन हम किसका खाते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, सेब का। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 17वां, डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टेरियोफाज, यानी ऑप्शन बी सही है। 18 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में के आहार में जो है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, अर्थात एक ही दिशा में। जैसे घास को बकरी खाएगा तो बकरी को शेर, ऐसा नहीं है जो घास बकरी को बकरी घास को, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक दिशीय यानी एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिलस थुरियनजिएंसिस। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा, ये छींकने और खांसने के बाद बाहर निकलता है जीवाणु, उसके संपर्क में आने से क्षय रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? ऑप्शन ए सही है, उत्पाद। अब थोड़ा सा तेजी में लेते हैं ताकि कम समय में आप आसानी से सभी प्रश्नों को चेक कर सकें। 22वां प्रश्न है, ऋतु श्राव चक्र किसमें होता है? जैसे मनुष्य है इसमें भी होता है, बंदर में और चिंपांजी में भी। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, 23 नंबर का, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीबा में भी और पारामिशियम में भी, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न संख्या 24, कहना डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 64%। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर का, बिडोल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन बी है, टाइफाइड। अगला प्रश्न 26 नंबर का है, एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? इसका सही ऑप्शन डी है, टी हेल्पर कोशिका को। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एंटीजन। 27 नंबर का प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एंटीजन। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन, तो ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर प्रश्न में कहता है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, लीची का। 30 नंबर प्रश्न कहता है, SO2 प्रदूषण का सूचक है? इसका सही ऑप्शन बी है, लाइकेन। ऑप्शन 31, शहद का निर्माण कौन करती है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी छाते में ही रहती है। अगला प्रश्न संख्या 32 करा, निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गी में मुख्य रूप से जो है मुर्गी की बीमारी जो है रानी खेत है। अगला प्रश्न है, यानी ऑप्शन डी सही था। 33 नंबर प्रश्न करा, इडली एवं ढोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ईस्ट। अगला प्रश्न दिया गया है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्री घास से। 35 नंबर, ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन सी सही है, जेकॉब तथा मोनार्ड ने। अगला प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें दिया गया है, एक जीन जोरा दूसरे जीन जोरा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, एपिस्टेसिस। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न में है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले तीन क्षारकों का कर्म जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीकोडेन। 29 नंबर प्रश्न, बुचरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह है? इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हेलमिंथ। 39 नंबर का अगला प्रश्न 40 नंबर का है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी सही है, यकृत। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न है, करा मेंडल के नियम का एक अपवाद है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सहलग्नता, ऑप्शन सी सही है। 42 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस, ऑप्शन डी सही है। 43 नंबर, इनमें से कौन कीट भक्षी पौधे हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों का। प्रश्न नंबर 44, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो सही ऑप्शन डी, केचुआ। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, कोलेरेला निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, शैवाल। 46 नंबर प्रश्न, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो ऑप्शन सी सही है, एडेनिन और गुआनिन। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, कैंसर किस कारण से होता है? इसका सही ऑप्शन बी है, ऑन्कोजीन द्वारा। 49 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सूक्ष्म प्रजनन में ओलैंगिक प्रजनन होता है मुख्य रूप से। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न है, आरएनए के पाइरिमिडिसिन में पाया जाता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, साइटोसिन एवं यूरेसिल। प्रश्न संख्या 51, इसमें कहा जा रहा है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? आंसर सी सही है, टाइफाइड यानी डिप्थीरिया, पर्ट्स यूसिस और टेटनस, ये तीनों को जो है टीकाकरण में ट्रिपल एंटीजन का उपयोग किया जाता है, टाइफाइड में नहीं। ऑप्शन सी सही है, 51 का। ये 12th क्लास बायोलॉजी के एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का सेट ई का आंसर की है। ये पूरे वीडियो को देखकर आपने जो एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर दिए हैं वो चेक कर सकते हैं, जो आपका कितना सही गया और कितना गलत बनाए। तो निश्चित रूप से वीडियो के अंत तक बने रहें, और पहली बार यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। 53 नंबर प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघों के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, घास, बकरी और शेर। 55 नंबर प्रश्न,
न्यूक्लियोसाइट है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। उसके बाद अगला प्रश्न 56 नंबर का है, गेमिट निर्माण को कहते हैं, ऑप्शन ए सही है, गेमिटोजेनेसिस कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, डिप्थेरिया। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बनिक खेती, बाकी सभी पशुपालन के अंतर्गत आता है। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, स्टेफेन हेल्स। उसके बाद प्रश्न संख्या 60 नंबर का है, एंटीकोडॉन्स कोडॉन्स किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, टीआरएनए में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 61 नंबर का है, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुवांशिकता का नियम। प्रश्न संख्या 62, अगला प्रश्न है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगला प्रश्न 63 है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन बी सही है, उत्परिवर्तन। 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्सोन्यूक्लिएज। उसके बाद अगला 65 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, फ्लोरा की और फौना की। अगला प्रश्न संख्या 66 दिया गया है, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, ऑप्शन बी शाकाहारी से। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, केवल दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर पास्चरीकृत किया जाता है। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पराग भित्ति होती है, इसका सही ऑप्शन बी है, द्वि स्तरीय। 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए सही है, अस्थि मज्जा में। और ये अंतिम प्रश्न है 70 नंबर का, इकोर्न आई एंजाइम का स्रोत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इकोली। ये था बायोलॉजी क्लास 12th के सेट ई का, इससे आप आसानी से चेक कर लिए होंगे आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना गलत। आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें आपका कितना सही हुआ है।